हेलो गाइस, आप सभी गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं करण के मंडल ब्लॉग्स। अभी गाइस मैं जा रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, आप लोग को रास्ते में पता चलेगा गाइस मैं कहाँ जा रहा हूँ। और आप लोग देखते रहिएगा गाइस। मैं स्टेशन पहुँच चुका हूँ और ये देखिए हमारे टीचर जी पहुँचा रहे आए थे। गुड मॉर्निंग। इधर भी एक टीचर है, वो मेरे साथ जा रहे हैं। तो गाइस अब चलते हैं स्टेशन की ओर। ठीक है सर। गाइस स्टेशन की ओर जा रहा है। स्टेशन में मिलते हैं गाइस। ये देखिए गाइस, ये है उस्ताद इंक्वायरी रूम। मैं खींचना फोटो नहीं खींचा, वीडियो बना। तो गाइस ये देखिए चलते हैं। नया लगा है ये देखिए, क्या बोलते हैं स्वचालित है। प्लेटफॉर्म नंबर 6 ये वाला ना। ये कौन सा गाड़ी है? ये देखिए गाइस, इंटरसिटी एक्सप्रेस है कटिहार टू पटना। सी में जाने वाला हूँ गाइस। यही सर्टिफाइड किसने? डी वन गाइस, डी वन। ऐसे एक बार हम खड़ा गए यही पे कटियारे में, तब हमको तन्न लेते ताकि इधर जाना नहीं था। हमको तो याद था कि वहाँ जाएंगे, वहाँ से हमको राइट जाना बस, इतना याद है। मालदा से आ रहे थे तो मैं नाना तो निकल गया। हम सर हम बोले कि पानी पिएंगे, सुने थे कि नहीं सुने थे पता नहीं, हम पानी पीने चल गए। हमें नाना चल गया, हम हाँ चल जाते हैं राइट में, चल जाते हैं राइट में, जाते तो मेन वाला में चल जाते हैं। हाँ, यानी कि वहाँ से आ गए थे। तो ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 ना, ये स्टेशन उधर मेन वाला, उधर चल जाते बार बार, तीन चार उधर घूम के आ गए हम। वहाँ जाके हम पूछ रहे सबसे कि भगवान साहब कहाँ पे, बोला पता नहीं हमको। फिर हम घूम के वहाँ जाते हैं, तो वहाँ 80 मंडल हैं, तो वहाँ बैठा हुआ था। तो बोला क्या हुआ? बोले मैं नाना चल गया था हमको छोड़ के। तो बोला कि चलो तो मेरे साथ वहाँ टिकट हम कटा के आते हैं। वो अपना टिकट कटा जा रहा हूँ, तो हमको लेके गया नीचे। तो हम तब समझ गया यहाँ पहुँचिए, हम इसी को खोजने के लिए हम तभी से अगर एक बार लेफ्ट में चल जाते तो अभी तक खोल जाते हैं। यही 31 देख लिया। तो उसके बाद हम पैदल चल गए वहाँ, तो वहाँ नहर के पास गए। तो वहाँ पे अजय ने, अजय हंसदार, उसका 3 अच्छा गया साइकिल में।
गाइस ये देखिए मैं पटना जंक्शन पहुंच चुका हूं और ये देखिए मैं उतर भी गया हूं। आगे बहुत ही ये देखिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं पटना जंक्शन। बख्तियारपुर जाएगा क्या सर? बख्तियारपुर जाएगा गाड़ी? इधर से जाना ना ऊपर तक। खतरनाक भी है, आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए काफी भीड़ है पटना जंक्शन में, इसीलिए भीड़ को देखते हुए थोड़ा वेट करने का, उसके बाद निकलेंगे। यही ट्रेन रेल से आएगा इस कटिहार टू पटना से आने वाली दिल्ली को पहुंचने वाली गाड़ी संख्या 1568 रामपुर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ रही है। ओके गाइस मिलते हैं रास्ते पे थोड़ी देर में। ये देखिए ओवर ब्रिज में आ चुका हूं गाइस, नीचे जाऊं सबसे पहले मैं देखा ये जो तिरंगा, हाँ ये है काफी ही थी। ये देखिए पटना जंक्शन बोलिए कुछ बोलिए कुछ। अभी हम पटना रेलवे स्टेशन से जस्ट बाहर निकले हैं और ये पटना बहुत ही फेमस प्रसिद्ध जगह है, अभी से नहीं तो अभी हम लोग यहाँ उतरे। तो आप लोग सुने मेरे टीचर से जो बोले वो ठीक ठाक बोले और आप लोग देख रहे हैं ये काफ़ी ही पुराने जंक्शन हैं, इनका निर्माण शायद आई थिंक आई डोंट नो। ये देखिए गाइस ये पटना के महावीर मंदिर है, काफ़ी बड़ा है गाइस, और इधर ये अपना तिरंगा लहरा रहा है, काफ़ी ही भीड़। तो फिर से देख लीजिए गाइस ये है पटना जंक्शन, पार्किंग का भी जगह दिया गया है गाइस। क्या क्या खराब कर दिया, कहाँ बहुत ब्रिज बहुत बहुत ही ब्रिज तो रात को अच्छा दिखता होगा ना, बल्ब लगा हुआ मेन रोड की ओर जाते हुए पटना जंक्शन से।
एक बार फिर से देख लीजिए गाइस, ना जंक्शन ये देखिए गाइस, पार्किंग के लिए बहुत ही काफी जगह सुंदर दिया गया है। ये रहा IR2808 इंजन, जो काफी पुराना इंजन है गाइस। इसको जूम करके दिखा दूं, ये देखिए गाइस, ये रहा गाइस बोधि मंदिर। ये रहा पटना जंक्शन। गणपति आगे देख रहे गाइस, ये ओवरब्रिज। तो गाइस ए दानापुरी स्टेशन है, दानापुरी स्टेशन। ये देखिए मेन रोड में आ चुका हूँ गाइस। ये देखिए वहाँ पे डायरेक्शन दिया गया है, किधर क्या है, किधर जाना है, नहीं जाना है। देखिए राजेंद्र पथ, डाक बंगला चौराहा, गांधी मैदान, पटना संग्रहालय, नेहरू मार्ग, तारा मंडल। ये देखिएगा इस गलती से दूसरा रुख कर लेता हम लोगों ने, फिर से इस बार जाना पड़ेगा। स्टेशन पर स्पॉट आना गाइस, गलती से स्पॉट में आ गया। काफी ही बड़ा एरिया है गाइस, देखिए ना जंक्शन बहुत ही बड़ा जंक्शन है बिहार के लिए। चिरैया पुल दिखाते हैं, चिरैया पुल का नाम से फेमस है। चिरैया पुल के नाम से फेमस है। दूसरा साइड पहुंच पाऊंगा गाइस। दूसरा साइड पहुंच गया गाइस, इस बार दूसरा साइड आया। ये देखिए गाइस, इसे इधर ही आ रहा हूँ। ये आखिरी है लौटने के लिए, बाहर निकलने के लिए। ये देखिए हमारे टीचर भी हैं साथ में, मिलते हैं गाइस रास्ते में।
हमको जाना है भाई रोड, वहाँ से जाऊँगा भाई होटल बुकूँगा। गाइस थोड़ी देर में ऑटो में आने लगा, वेट कर रहा हूँ। कथा पांडाल में कुछ ही समय में कथा प्रारंभ होने जा रही है। सौ के पास तक मेरी आवाज पहुँच रही हो, रहने होने की व्यवस्था है। ये देखिए गाइस 70 फीट की ओर जाते हुए ऑटो पर बैठ चुका हूँ गाइस। यार मैं टीचर ये देखिए गाइस हम लोग बस पहुंच चुके हैं अंबिका भवन गणपति आईटी पॉइंट, जहां हम लोग को पहुंचना था। पहुंच चुका हूं गाइस, थोड़ा मैं भी चेहरा दिखा रहा हूं। ये देखिए गाइस मैं पहुंच चुका हूं गणपति आईटी पॉइंट अंबिका भवन एग्जामिनेशन सेंटर अंबिका भवन महावीर नगर BPCL रोड 70 फीट पटना। और गाइस मैं यहीं पर ब्लॉग समाप्त करना चाहूँगा। आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।